Good morning, class. This is our new Anna Physio class, in which today we will study about the second organ of internal genitalia, that is uterus. हमने अपनी previous class के अंदर vagina पढ़ लिया था, उससे पहले हम लोगों ने external genitalia पढ़ लिया था, आज uterus पढ़ लेते हैं. तो देखिए, जो girls हैं, गर्ल्स आर बॉर्न विद ओवर अ मिलियन एग सेल्स. गर्ल्स जो बॉर्न होती है उनके अंदर मिलियन एग सेल्स पाई जाती है, पर उनमें से केवल 400 ही जो है वो मेंस्ट्रुअल, पूरी लाइफ टाइम में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान रिलीज हो पाती हैं. मिलियन एग सेल्स में से मात्र 400 ही रिलीज होती हैं, और कोई नया एग जो है वो बर्थ के बाद डेवलप नहीं होता. जब वो पैदा होती है तभी एमिनल ऑफ एग सेल्स उनमें होती हैं, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं कि एग जो है वो डेवलप हो रहा है, नहीं होता, उसके बाद वो मैच्योर ही होगा सीधा. तो ये यूट्रस का डायग्राम लेबल करना है आपको, मैंने पहले भी आपको एक बार डायग्राम बोला था, तो ये आप लेबल करके मुझे दीजिए अपना असाइनमेंट. अब देखिए, अपन यूट्रस को आज डिटेल में पढ़ रहे हैं. यूट्रस एक थिक वॉल्ड का मस्क्यूलर पियर शेप्ड का ऑर्गन होता है, जो कि आपको इस डायग्राम में पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है. तो थिक वॉल्ड का मस्क्यूलर बैग है, पियर शेप्ड का ऑर्गन होता है, जो कि पैल्विस के मिडल में लोकेटेड रहता है. पैल्विस के मिडल में, ब्लैडर के पीछे और रेक्टम के फ्रंट में, ये इसकी लोकेशन है. यूट्रस कहाँ पे है? पैल्विस के मिडल में, ब्लैडर के पीछे और रेक्टम के फ्रंट में. और बहुत सारे लिगामेंट्स के द्वारा ये अपने उसी पोजीशन पे एंकर्ड रहता है. ये जो पोजीशन हमने बताई ना, मिडल बिहाइंड फ्रंट वाली, इस पोजीशन में इसको कौन बना करके रखता है? बहुत सारे लिगामेंट जो इससे एंकर्ड रहते हैं, इसको पकड़ के रखते हैं. यूट्रस जो है वो सर्विक्स और मेन बॉडी का बना होता है. मेन बॉडी को आप कॉर्पस कहते हैं, सर्विक्स और कॉर्पस का बना होता है. सर्विक्स यूट्रस का लोअर पार्ट होता है, और ये वेजाइना के अपर पार्ट में प्रोट्रूडेड रहता है, धंसा हुआ रहता है वेजाइना के अपर पार्ट में. इसको पैल्विक एग्जामिनेशन के दौरान देखा जा सकता है. किसको? सर्विक्स को देखा जा सकता है. जब पैल्विक एग्जामिनेशन किया जाता है किसी फीमेल का, तो ये सर्विक्स आराम से देखा जा सकता है. वेजाइना की तरह ही सर्विक्स भी जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा लाइंड रहता है, पर सर्विक्स की म्यूकस मेम्ब्रेन स्मूद होती है. वेजाइना में ऐसा नहीं पढ़ा था हमने, सर्विक्स की म्यूकस मेम्ब्रेन स्मूद होती है. स्पर्म जो है वो एंटर होते हैं इस सर्विक्स के थ्रू ही, और मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो यूट्रस से इसी सर्विक्स के थ्रू एग्जिट होता है, इस सर्विक्स की इस चैनल में, सर्विक्स में चैनल के द्वारा, जिसको आप सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, उस चैनल के द्वारा मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो तो एग्जिट होता है, और स्पर्म जो है इस रास्ते से एंटर होते हैं. अंदर जाने का रास्ता ये सर्विक्स ही बना रहा है. तो ये सर्विक्स का डिस्क्रिप्शन. यूट्रस का सबसे लोअर पार्ट क्या है? सर्विक्स है. वेजाइना भी धंसा हुआ रहता है, इसको देखा जा सकता है एग्जामिनेशन के दौरान. इसमें स्मूथ म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग पाई जाती है. स्पर्म इसके रास्ते से अंदर घुसता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड इसके रास्ते से बाहर निकलता है. सर्वाइकल कैनाल अक्सर नैरो होती है, पर लेबर के दौरान, लेबर क्या चीज़ है भाई? डिलीवरी, बच्चे की जब डिलीवरी होती है, प्रेगनेंसी जब कंप्लीट हो जाती है, तो नाइन्थ मंथ के अंदर जो डिलीवरी होती है उसको लेबर कहा जाता है. उस लेबर के दौरान ये जो कैनाल है सर्विक्स की, ये चौड़ी होती है ताकि बेबी को बाहर निकलने का रास्ता मिल सके. तो ऐसे तो सर्वाइकल कैनाल एकदम नैरो होती है, पर लेबर के दौरान ये वाइड होकर के बेबी को रास्ता देती है. और इसके अलावा सर्विक्स एक अच्छा बैरियर भी है, मतलब रुकावट है. किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए. एक्सेप्ट अराउंड द टाइम एन एग इज़ रिलीज बाय द ओवेरीज, मतलब जो ओवरी से जब एग रिलीज हो रहा होता है, मतलब ओव्यूलेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, या मेंस्ट्रुअल पीरियड जब चल रहा होता है, या लेबर के दौरान, इन तीन पीरियड्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बैक्टीरिया को इंटरनल जेनिटेलिया में एंटर करने से ये सर्विक्स ही रोकता है.
पर ओव्यूलेशन के दौरान ये थोड़ा सा वाइड हो जाता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड में भी इसकी वाइडनिंग हो जाती है, और लेबर में तो हमने ऊपर बताया ही है कि काफ़ी वाइड हो जाता है ताकि बच्चे रास्ता मिले। तो इन तीन कंडीशन के दौरान ये बैरियर का काम करता है, इन तीन कंडीशन में ही जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस वक्त इसका सर्विक्स का जो माउथ है वो काफ़ी वाइडन हो चुका होता है, तो इसलिए इन्फेक्शन होने का खतरा या एसटीडी होने का खतरा या पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ पीआईडी होने का खतरा उस वक्त बढ़ जाता है। अब फंक्शन क्या करता है भाई, तो यूट्रस का फंक्शन क्या है, डेवलपिंग फीटस को ये अपने अंदर रखता है, मतलब जो फीटस है वो इसी के अंदर डेवलप, इसी यूट्रस के अंदर डेवलप होएगा ये। इट प्रिपेयर फॉर दिस पॉसिबिलिटी फॉर ईच मंथ, और इस फीटस को ही वो रखने के लिए बना है यूट्रस, तो वो इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करता है हर महीने, हर महीने वो प्रिपेयर रहता है कि हो सकता है इस महीने फीटस को डेवलप करने के लिए मुझे अपने अंदर रखना पड़े, तो हर महीने वो ऐसा करता है, अपनी प्रिपरेशन करता है। और अगर नहीं फीटस डेवलप हो रहा होता, नहीं एम्ब्रियो आ रहा होता या नहीं फर्टिलाइजेशन होता, तो मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो हर महीने ये यूट्रस जो है अपनी प्रिपरेशन करता है, और प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन से ये यूट्राइन जो कंटेंट होता है टर्मिनेशन के टाइम पर, मतलब जब प्रेगनेंसी ख़त्म हो रही है, जब डिलीवरी होती है, लेबर होता है या एबॉर्शन होता है, उस समय यूट्राइन कंटेंट जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, एक्सपेल हो जाते हैं। तो मेन फंक्शन है डेवलपिंग फीटस को रखना, और इसी के लिए ये हर महीने प्रिपरेशन भी करता है, और प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन पर ये यूट्राइन कंटेंट को बाहर निकाल देता है। अब रिलेशन देखिए भाई यूट्रस का, कहाँ कहाँ किस किस से कैसे कैसे है भाई। एंटीरियरली ये यूटेरो वेसिकल पाउच और ब्लैडर से जुड़ा होता है, पोस्टीरियरली ये रेक्टो यूटेराइन पाउच ऑफ द डगलस से जुड़ा होता है, लेटरली ये ब्रॉड लिगामेंट और यूटेराइन ट्यूब से जुड़ा होता है, सुपीरियरली इंटेस्टाइन से, और इन्फीरियरली ये वेजाइना से जुड़ा होता है, आगे पीछे लेटरल ऊपर और नीचे का कनेक्शन, एंटीरियरली यूट्रस वेसिकल पाउच और ब्लैडर, पोस्टीरियरली रेक्टो यूट्राइन पाउच ऑफ डगलस, लेटरली ब्रॉड लिगामेंट और यूट्राइन ट्यूब, सुपीरियर में इसके ऊपर मतलब इंटेस्टाइन होती है, इसके नीचे वेजाइना पाई जाती है। अब मेजरमेंट देखिए और इसके पार्ट्स देखिए, तो ये 8 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.25 सेंटीमीटर ये मोटा होता है, लगभग आधा किलो यानी लगभग 50 ग्राम का इसका वेट होता है। और इसके बॉडी पार्ट्स में पहला बॉडी ऑफ कॉर्पस, क्योंकि हमने बोला था भाई लोअर पार्ट तो इसका सर्विस कहलाता है और अपर पार्ट को कॉर्पस ही बोला था बॉडी को, तो बॉडी या जिसको कॉर्पस भी आप कहते हो, बॉडी के ऊपर फंडस, फिर कॉर्नुआ, इस्थमस, सर्विक्स, इंटरनल एक्सटर्नल ओएस और सर्वाइकल कैनाल, ये इसके पार्ट्स होते हैं, बॉडी ऑफ कॉर्पस, फंडस, कॉर्नस, कॉर्नुआ, इस्थमस, सर्विक्स, इंटरनल एक्सटर्नल ओएस। ये इंटरनल एक्सटर्नल ओएस सर्विक्स के हैं भाई, सर्विक्स जब वेजाइन में खुलती है एक्सटर्नल ओएस होता है, जब यूट्रस में खुलती है तो वो इंटरनल ओएस कहलाता है, और सर्वाइकल कैनाल। इस ये यूट्रस 3 लेयर्स का बना होता है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरिमेट्रियम, किसके बेसिस पर है, इन साइड से आउटसाइड तक लेयर बताइए, सबसे इनर मोस्ट लेयर एंडोमेट्रियम, उसके बाद मायोमेट्रियम जो मिडल लेयर होती है, और सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है पेरीमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम यूट्रस की इनर लाइनिंग बनाती है, और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको नरिश भी करती है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है एम्ब्रियो को, ये हर महीने प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है, ये बनती है आपका, ये हर महीने ये बनती है प्रेगनेंसी के लिए। और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये शेड आउट हो जाती है मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ में, बाहर निकल जाती है, झड़ जाएगी, शेडिंग हो जाएगी इसकी, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये शेडिंग होती है और ये फिर बाहर निकल जाती है ब्लड के साथ में। दूसरी लेयर है मायोमेट्रियम, ये मस्कुलर होती है, फीटस को सपोर्ट देती है, ये बर्थ के दौरान कॉन्ट्रैक्ट होती है और एंडोमेट्रियम को शेड भी करती है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, एंडोमेट्रियम की शेडिंग ये मायोमेट्रियम करवाती है बर्थ के लिए, इसी में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है यूट्रस में, जो हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे कि बेबी या जो फीटस है वो बाहर एक्सपेल आउट होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन इस मस्क्यूलर लेयर दैट इज़ मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस चलते हैं, ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन करवाता है ये कॉन्ट्रैक्शंस, तो वो कॉन्ट्रैक्शन भी करेगा, फीटस को सपोर्ट भी देती है, और एक मस्क्यूलर लेयर है ये।
आउटर मोस्ट लेयर पेरीमेट्रियम ये सिरॉस मेम्ब्रेन की बनी होती है और यूट्रस की आउटसाइड की लाइनिंग ये बनाती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। अब ब्लड सप्लाई आर्टरीज में यूट्राइन आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांचेस ब्लड सप्लाई करी और वेन्स में इंटरनल इलियक वेन, इंटरनल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक वेन। लिम्फेटिक में डीप और सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स इसको सप्लाई कर रही है, जबकि नर्व सप्लाई में पैरासिम्पथैटिक और सिंपथैटिक नर्व जो हैं इसको सप्लाई कर रही होती हैं। बस इसके साथ में ये यूट्रस की स्ट्रक्चर कंप्लीट। हमने यूट्रस का फंक्शन भी पढ़ लिया और यूट्रस की स्ट्रक्चर भी पढ़ ली। सिंपल थी, ईजी थी, कोई डाउट मुझे नहीं लगता आप लोगों को होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है।